बाद हम वाकई तवानाई के बदतरीन बहरान में गिरफ्तार हो गए। फिर हम भी बाहर हो गए और 2013 में दोबारा मौका मिला तो फिर उसी जुस्तजू के साथ, उसी अज़्म के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ किया और पूरे मुल्क से जो स्टेक होल्डर्स हैं इकट्ठे किए और हमने विज़न 2025 की बुनियाद रखी, जिसमें कहा गया कि हम 2025 तक पाकिस्तान को पहली 25 मईशतों में शामिल करके शायद कुछ माजी का कर्ज उतार सकें। और जब हमने ये विज़न दिया तो मुल्क के अंदर 16-16 घंटे बिजली नहीं होती थी, कोई दिन नहीं गुजरता था कि ख़ुदकुश बम्बार ना फटे। तो जो उस वक्त के बुकरात और सुकरात थे वो मजाक उड़ाते थे टीवी पर भी और इन मुजाकरों में भी कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कि जिस मुल्क में 16 घंटे बिजली नहीं, आप उसको पहली 25 मईशतों में शामिल होने के ख्वाब बेच रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि फिर 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने हमारे उस सफ़र की तस्दीक करते हुए कहा कि इस रफ्तार और प्रोजेक्शन पर पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की पहली 20 मईशतों में शामिल हो सकता है। तो वो एक किस्म की टेस्टिमनी थी, एक किस्म की एंडोर्समेंट थी। और इसी शहर के अंदर 2017 में ये आलम हो गया कि अमेरिका के सफ़ीर मेरे पास आते थे, बरतानिया के, यूरोपियन यूनियन के, जापान के, मिडल ईस्ट के, और उन सब की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ होता था कि एक्सेलेंसी टेल अस हाउ कैन आर कंपनीज इन्वेस्ट इन पाकिस्तान अंडर सीपैक। मुझे पूरी दुनिया से जो वॉर कॉलेजेस थे, चाहे वो कैलिफोर्निया का नेवल वॉर कॉलेज था, चाहे वो अमेरिका के दीगर थिंक टैंक थे, चाहे वो कैनेडा का वॉर कॉलेज था, ब्रसल्स में ईयू के पार्लियामेंट का थिंक टैंक था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वॉर कॉलेजेस थे, पूरी दुनिया के वॉर कॉलेजेस से हर रोज़ क्वेरी आती थी कि हम सीपैक और पाकिस्तान पर स्टडी कर रहे हैं, आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो दुनिया को यूं मालूम हुआ कि पाकिस्तान को कोई होली ग्रेल मिल गई है और पाकिस्तान एक सफ़र पर चल पड़ा है। फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्टार्टेड टू लुक एट अस फॉर द राइट रीजंस, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर एनी सिक्योरिटी ऑपरेशन, नॉट फॉर एनी सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बट दे थॉट दैट हेयर इज अ कंट्री जो किसी एक जियो इकोनॉमिक एंटरप्राइज का हिस्सा बन गया है और अब हम इसके साथ मिले। लेकिन शायद दुनिया तो सी पैक की अहमियत को जान गई, हम कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की अहमियत को नहीं समझ सके। और फिर हमने मुल्क के अंदर हालात में तब्दीली पैदा की। और फिर आज जब 2022 में मैं उसी मनसब पे वापस आया हूँ जो मैंने 2018 में छोड़ा था, तो फ़र्क ये पड़ गया है कि 2018 में जब मैंने हुकूमत छोड़ी थी तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी 1000 अरब था और पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट भी 1000 अरब था। ना डिफेंस डेवलपमेंट की कीमत पे था और ना डेवलपमेंट डिफेंस की कीमत के ऊपर थी, दोनों 1000 अरब अपने राइट के ऊपर थे। आज 2022 में जब मैंने यही मनसब दोबारा संभाला है तो डेवलपमेंट बजट जो रवां साल में इब्तदा में 900 अरब था वो सुकड़ के 550 अरब रह गया था। और इसके लिए भी अप्रैल में वजारत ख़जाना ने सर्कुलर जारी कर दिया कि फोर्थ क्वार्टर के लिए देर विल बी ज़ीरो रिलीज़। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था कि डेवलपमेंट बजट की आखिरी किस्त 3 महीनों की रोक ली जाए और वजारत ख़जाना ये कहे कि हमारे पास ये पैसे देने के लिए ख़जाने में मौजूद नहीं। मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था जब हमने एटमी धमाके के बाद इक्तसादी पाबंदियों का सामना किया। हमने उस वक्त भी कुछ थोड़ी बहुत कट लगाई थी डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे इकोनोमाइज करने के लिए, लेकिन पूरा साल
सारे क्वार्टर्स में हमने अपने डेवलपमेंट बजट्स को, प्रोजेक्ट्स को फंड किया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज हम एक गैर मामूली सूरत हाल में खड़े हैं, और मेरे जैसे शख्स के लिए कि जिसने दो दफ़ा पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाब देखे और उनमें रंग भरने की कोशिश की, आज जबकि हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो 50वीं सालगिरह से 75वीं सालगिरह का ये सफ़र कोई बहुत ताबनाक या हौसला अफजा नहीं है। हमने पिछले 25 साल भी ज़ाया कर दिए हैं। और मुझसे अगले दिन किसी ने सवाल किया कि आप 2023 को कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा कि मैं 2023 का इतना नहीं सोचता जितना मैं ये सोचता हूँ कि मेरी औलाद और उनकी नस्ल जब 2047 में पाकिस्तान के 100 साल पूरे होने पे हमारी जगह खड़ी होगी, तो क्या वो भी हमारी नस्ल की तरह शर्मसार होगी, या वो फ़ख्र के साथ कह सकेगी कि नो वी मेड इट, और हमने वाकई मुल्क को उस रास्ते पे गामजन कर दिया जो इसका हकदार था। तो आज जब हम 75वीं सालगिरह के साल में खड़े हैं, तो बाय नो मींस पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान डिजर्व्ड व्हाट वी आर गेटिंग टुडे। इन पिछले 50 सालों में बांग्लादेश, जिसको हम अपने ऊपर एक बोझ समझते थे, 60s में आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड एंड आई रिमेंबर कि यही जब मानसून का सीजन आता था तो रेडियो और PTV के ऊपर मातमी धुनें लग जाया करती थी कि मशरकी पाकिस्तान में अपने सैलाब ज़दा बहनों और भाइयों के लिए सदर के फंड में दिल खोल के अतिया दें, और यहाँ पे मगरबी पाकिस्तान में अमूमन लोग ये सोचते थे कि ये मशरकी पाकिस्तान के लोग तो हम पे शायद बोझ हैं कि हर साल हम इन्हें अपनी तनख्वाहों से यहाँ से अतियात देते हैं और इनके यहाँ सैलाब आता है और उसके लिए इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तो वो मशरकी पाकिस्तान भी इन 50 सालों में हमसे आगे निकल गया, और आज उनकी वजारत इत्तलात बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपनी 50वीं सालगिरह पे ये इश्तिहार लगाती है कि हमने पाकिस्तान को हर सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर में पीछे छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम बहसियत कौम अपना जायज़ा लें कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, और आइंदा मुस्तकबिल के लिए हम क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं कि जिससे हमारे अगले 25 साल ज़ाय ना हो। अंग्रेज़ी में कहते हैं, इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग, एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग यू हैव टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो हमें अपनी आदत को, अपनी हरकत को ठंडे दिल के साथ जायज़ा लेकर तब्दील करना होगा, और ये देखना होगा कि वो ममालिक जो हमसे आगे निकल गए, आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे चंद फ्रस्ट्रेटेड लोगों के तज़िये पढ़ता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा बदनसीब मुल्क है, कि पाकिस्तान को वो क़ियादत नहीं मिल सकी जो इसको आगे लेकर जाती। क्या बांग्लादेश को कोई ऐसी क़ियादत मिली कि जो हमारे से बहुत सुपीरियर थी? क्या भारत को कोई ऐसी क़ियादत मिली जो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी? इसी बर्रे सगीर के हम जैसे ही लोग हैं, और कोई उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं आपको ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। तो मेरा ख्याल है कि आज जो हम इक्तसादी और मुआशी तज़िये कर रहे हैं, उनको हमें तीन हिस्सों में जुदा करना पड़ेगा। एक हमारा वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो 75 साल से हमें टेक ऑफ नहीं करने दे रहा। मैं अक्सर 2013-18 में कहा करता था, जब CPAC का हमें एक बोनस मिला, कि कुदरत ने हमें तीसरी दफ़ा टेक ऑफ का मौका दिया है, अगर हमने इस मौके को ज़ाय कर दिया
तो पता नहीं फिर कब मिलेगा। फर्स्ट टाइम 60s में हमें टेक ऑफ का मौका मिला, हमने 65 की जंग का एडवेंचर किया और ख़ुद को गेट अपना क्रैश लैंड कर लिया, और इसके बाद वो सफ़र हमसे अलहदा हो गया। अर्ली 60s में दुनिया कहती थी कि एशिया के अंदर नेक्स्ट इमर्जिंग जापान इज़ पाकिस्तान, और 60s में जब हबीब बैंक प्लाजा बिल्डिंग कराची में बनी तो ईस्ट ऑफ कराची इट वॉज प्रॉब्ली द टॉलेस्ट बिल्डिंग। लेकिन हमने अपनी सफ़र और सिमत बदल ली, दुनिया उस सिमत पे चल पड़ी जिस पे हम चल रहे थे और हम किसी और सिमत में निकल गए। दूसरा जो हमें टेक ऑफ का मौका मिला वो 1991 में मिला, जब नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराएं, डीरेगुलेट किया पाकिस्तान की इकॉनमी को, प्राइवेटाइज़ किया, लिबरलाइज किया, और वो शोबे जो आज पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रोबस्ट ग्रोथ दे रहे हैं, चाहे वो टेलकोज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसको रियासत के शिकंजे से निकाला, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इजाज़त दी, प्राइवेट सेक्टर टेलकोज को इजाज़त दी, और आज आप पाकिस्तान में देखिए कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो अगर है तो इन फाइनेंशियल और टेलीकम्युनिकेशन के उन सेक्टर्स में है जहाँ ये प्राइवेट एंटरप्राइज आई, और इसी तरह दीगर इस्लाहात मुतारफ़ कराएं। लेकिन क्या हुआ, उस हकूमत को 2 साल में रुख्सत कर दिया गया, और भारत जो उस वक्त तक हमसे पीछे था, मनमोहन सिंह जो उनके वजीर ख़जाना थे, वो सरताज अजीज साहब से वो SROs की कापी लेते हैं जो पाकिस्तान ने मुतारफ कराएं, और 2 साल के वक्फे के बाद वो भारत में वो सारी रिफॉर्म्स रफ्ता रफ्ता लेकर आते हैं, और भारत तसलसल के साथ उस रिफॉर्म एजेंडे को अपना कर चलता है, तो सन 2000 में भारत पाकिस्तान को ओवरटेक कर लेता है। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी पॉलिसीज़ के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की हो। क्योंकि जो रिफॉर्म है इसको कामयाबी के लिए कम से कम एक डेकेड दरकार होता है, अगर एक 10 साल का तसलसल नहीं होगा तो कितना भी आप अच्छा काम करें वो नताइज नहीं दे सकता। हम इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ को तसलसल और दवाम देने में नाकाम रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह हमारी अंदरूनी सियासी चपकलिश है। 1998 में अमेरिका का एक मुहक्किक है स्टीफन कोहन, उन्होंने एक किताब लिखी थी और मैं बार बार कहता था कि उनकी ये किताब हर पाकिस्तानी के लिए एक चैलेंज है कि हम स्टीफन कोहन को गलत साबित करें। उसने 1998 में कहा कि पाकिस्तान के लिए 3 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि ये रियासत फेल हो जाएगी, उसने कहा इसका इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है, इसलिए कि पाकिस्तान की फ़ौज इतना मजबूत इदारा बैकबोन के तौर पे है कि जो इसको शायद बिखरने नहीं देगा, तो लिहाजा अब मज़ीद पाकिस्तान के टुकड़े होने का ज़्यादा इम्कान नहीं है। दूसरा उसने कहा कि शायद पाकिस्तान कामयाब रियासत बन जाए, तो उसने कहा इसका भी इम्कान नहीं है, इसलिए कि ये वो रियासत है कि जिसमें डीजोरे और डिफेक्टो पावर के मराकज़ अलग-अलग हैं, और ये जो डीजोरे और डिफेक्टो ताकत के मराकज़ की कश्मकश है ये इसको कभी यकसुई के साथ तरक्की या कामयाब नहीं होने देगी। लिहाजा उसने कहा कि जो तीसरा सिनेरियो है कि पाकिस्तान विल जस्ट मडल थ्रू, कि बस इसी तरह ही लूड़ा लंगड़ा या जैसे लंगड़ा या जैसे कह लें कि बस क्रॉल करता हुआ ये मडल थ्रू करेगा। तो आज आप देखिए 1998 के बाद हम जब 2022 में खड़े हैं, वी आर प्रूविंग हिम राइट कि हम मडल थ्रू ही कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि आज हर पाकिस्तानी के लिए जो सोच से, जो समझ से खुद को आरास्ता समझता है,
संजीदगी का वक्त है कि हम अपनी अगली नस्ल को एक ऐसा रास्ता देके जाएं कि जिससे हम माजी की गलतियां ना दोहराएं। आपको इस बजट के नंबर्स अगर आप देखिए तो आपको होश रुबा होंगे। एक अगर आप कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और आपकी कंपनी की ये बैलेंस शीट हो तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। हमारे नंबर्स ये हैं कि इस साल हम तखमीना रख रहे हैं कि 7,000 अरब के टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करेंगे और तकरीबन 2,000 अरब के नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे। ये रियासत को 9,000 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। वफाक इसमें से तकरीबन 4,100 अरब रुपया सूबों को उनके हिस्से का दे देगा। तो वफाकी हुकूमत के पास 4,500 अरब बाकी बचेगा। आपको पता है कि डेट सर्विसिंग इस साल कितनी होगी? वो डेट सर्विसिंग जो 2018 में 1,500 अरब थी, अब उसका हुजम बढ़ के 4,000 अरब हो चुका है। सो उस 4,500 अरब में से 4,000 अरब रुपया जो है वो कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। इसके बाद आप तकरीबन देख लीजिए 500 अरब रुपया अगर बच गया है तो जो कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट है वो 550 अरब रुपया है। तो आपने कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट जो है चले उसमें पूरी कर ली। अब इसके बाद जितने अखराजात हैं जिसमें 1,500 अरब रुपया दिफा का है वो भी कर्जे के ऊपर लिया जाएगा। 530 अरब रुपया पेंशन्स का है जिसमें 400 अरब रुपया दिफाई पेंशन और 130 अरब रुपया सिविल पेंशन शामिल है, ये भी कर्जे में ली जाएगी। इसके ऊपर तकरीबन 700 या 800 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट होगा, असल में 700 अरब होगा, वो भी सारा कर्जे में लिया जाएगा। इसके बाद तकरीबन 1200 अरब रुपया वो एडवांसेस हैं जो आप सूबों को देंगे या खसारे वाली इदारों को देंगे, उनको ग्रांट्स की सूरत में देंगे, ये तकरीबन 1200 अरब रुपया बनते हैं। और फिर जो मुख्तलिफ मदों में आप सब्सिडी देंगे वो तकरीबन 700 अरब देंगे। ये सब के सब खाते खसारे के हैं और खसारे का मतलब यह है कि मजीद उधार के हैं। इन नंबर्स के ऊपर कोई कंपनी कामयाबी से नहीं चल सकती। लिहाजा अगर हमने इससे निकलना है तो हमें ब्रेक थ्रू नंबर्स चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी नाकामी की वजह यह है कि जो 75 सालों में हमारी मईशत का स्ट्रक्चर था हमने उसको एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ पे इस्तवार नहीं किया। हमें कोई 60s में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट पढ़ा गया था, हम उसी के ऊपर दिल जमी के साथ चलते रहे। और जो मौके 10-10 सालों की हुकूमतों के थे वो बेहतरीन मौके थे कि जब हमारे पास डॉलर्स भी थे और 10 साल का तसलसल भी था, हम अपनी मईशत को रीस्ट्रक्चर कर सकते थे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए, लेकिन हम ऐसा करने में नाकाम रहे। नतीजतन हम जब भी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो उससे मईशत में डिमांड पैदा होती है और हम इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं तो हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डॉलर्स है थ्रू इम्पोर्ट्स, वो हमारी जो कैपेसिटी टू अर्न डॉलर्स है उससे मैच नहीं कर पाती। लिहाजा करंट अकाउंट डेफिसिट खुलना शुरू हो जाता है और हम फिर ब्रेकें लगाने पे मजबूर होते हैं कि इम्पोर्ट को कट डाउन करें, इकॉनमी को स्लो डाउन करें। तो लिहाजा वो सब ममालिक जिन्होंने ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस की, उन्होंने एक्सपोर्ट्स को अपनी बुनियादी ग्रोथ का जरिया बनाया और उसमें लीप फ्रॉक किया। ये नहीं कि साल की 1 या 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ाई, उन्होंने 5-5, 10-10 अरब की छलांग लगाई और उससे वो डॉलर्स अपने पास लाते थे ताकि उन डॉलर्स से वो अपनी जो ग्रोथ है उसको फाइनेंस कर सकें, उनके पास डॉलर्स की कमी ना हो। तो हम डॉलर सवाए उस फॉरेन एड के जो कभी कभी हमें एक जंग के एवज मिलती थी, अपने जोरे बाजू से कमाने में नाकाम रहे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर एक कमोडिटी सेक्टर है,
और हम उन शोबों के अंदर एक्सपोर्ट्स करते हैं जो आलमी मंडियों में बहुत ज़्यादा हमें उसका मुआवजा नहीं दिलवाती और बहुत कंपेटिटिव हैं, लिहाजा हम लो बेस के ऊपर वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि हर वो मुल्क जिसने फॉरेन एक्सपोर्ट्स के ज़रिए कमाया है उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क का एक बुनियादी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ बनाया है। आज वियतनाम में जिसकी आबादी हमसे निसफ है, 10 करोड़, वहाँ पे $30 बिलियन की FDI जा रही है। म्यांमार जो बहुत छोटा सा मुल्क है उसमें भी 4 से 6 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रही है। और हमारे यहाँ 2017-18 में बमुश्किल 3-3.5 अरब डॉलर आई, जो फिर क्रैश करके 1.5 अरब डॉलर आ गई है। अब आप खुद सोचिए कि एक 22 करोड़ का मुल्क जिसमें 60-80 मिलियन मिडिल क्लास हो, क्या वो ये हक रखता है कि उसके पास सिर्फ 1.5 अरब डॉलर FDI आ रही हो। हमें तो कम से कम 20-25-30 बिलियन डॉलर सालाना FDI लेनी चाहिए। तो FDI क्यों नहीं आती? बुनियादी तौर पे दो वजूहत कि जहाँ पे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाएगी सबसे पहले वो पॉलिसीज की सेफ्टी या कंटिन्यूटी को देखते हैं कि जहाँ पर हम जिस पॉलिसी फ्रेमवर्क में पैसा लगाने जा रहे हैं क्या इसको स्टेबिलिटी होगी, कंटिन्यूटी होगी। दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि जहाँ पर हम पैसा लेकर जा रहे हैं क्या हमारा सरमाया महफूज होगा, उनका लीगल सिस्टम ऐसा है कि जिससे हम तहफ़ हासिल कर सकें। अगर उनका उस मुल्क के लीगल निज़ाम पर अतमाद नहीं होगा तो वो सर्फ नज़र करके वहाँ से गुजर जाते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से यही वजह है कि हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसने पॉलिसी इनकंसिस्टेंसीज इतनी पैदा की कि किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर को पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के मुकाबले में पुरकशिश नज़र नहीं आया, इसके बावजूद कि हमारा साइज़ ऑफ द मार्केट बहुत बड़ा है। तो FDI लेने के लिए भी हमें अपने मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट को बनाना है, और जैसे मैंने कहा कि उसकी पहली शर्त यह है कि हम अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारों का एतमाद हासिल करने के लिए स्टेबिलिटी लेकर आएं, एक अच्छा लीगल निज़ाम पर उनका एतमाद लेकर आएं, उनको सिक्योरिटी का एहसास हो, उनके लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो, तो वो भाग कर आएंगे। तीसरी चीज़ जो है जो किसी मुल्क के लिए तरक्की के लिए ज़रूरी है वो उसके अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है थ्रू टैक्स टू GDP रेशियो, कि अगर आप अपने मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी डेवलपमेंट को कहाँ से फाइनेंस करेंगे। हम बदकिस्मती से 11-9% टैक्स टू GDP रेशियो के ऊपर बस लटकते रहे हैं और कभी इस पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। हमारे खित्ते के मुल्क जो हैं वो 16-18% टैक्स टू GDP पर जा चुके हैं। और इसकी भी बड़ी वजह यही है कि जब किसी मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा तो वहाँ रिफॉर्म्स पे कोई काम नहीं करेगा। वहाँ पर हर कोई हुकूमत अपनी सर्वाइवल की जंग में लगी होती है। वहाँ पे जब शॉर्ट टर्म की हुकूमतें होती हैं तो रेंट सीकिंग बिहेवियर प्रवेल करता है, कभी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एजेंडे पे कोई काम नहीं कर सकता। चौथी बड़ी चीज़ इसी से मुंसलिक ये भी है कि हमारे मुल्क में बहुत लो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेशियोज़ हैं। चूँकि हमारे अपने वसाइल नहीं हैं तो यहाँ पर सेविंग्स का रेशियो भी बहुत कम है। हर वो मुल्क जिसने तेज़ी से तरक्की की है उसने बचतों को फ़रोग दिया है और बचतों के ज़रिए उनके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए सरमाया होता है जो सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट होता है। ये वो तकरीबन सारी बेसिक फॉल्ट लाइंस हैं। फिर आखिर में और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने इस मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स को इग्नोर किया है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है कि जो 50-55% खानदगी के साथ या 60% खानदगी के साथ ये क्लेम करे कि वो एक तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत बन जाएगी। और उसकी बड़ी वजह भी है कि हमारे पास तालीम पे खर्चने के लिए बजट के अंदर कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि वसाइल नहीं है, टैक्स टू GDP रेशियो लो है और हमारे दीगर अखराजात ज़्यादा हैं, तो तालीम और सेहत के शोबे हमेशा उसकी हिट लेते हैं
नतीजतन हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है जो कि हमें फिर रास्ते की एक जंजीर बन जाती है। ये एक लैंडस्केप मेरा पेश करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको मायूस करूं, इसका मकसद ये है कि हम सब पाकिस्तान के बारे में इसलिए पुरउम्मीद हैं कि अल्लाह ताला ने जितने वसाइल हमें दिए हैं दुनिया के बहुत कम मुल्कों को दिए हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर जस्ट एन अंडर मैनेज्ड कंट्री। अगर हम अपने मुल्क की मैनेजमेंट को ठीक कर लें और वो नकायस जो 75 साल से हमने पैदा किए हुए हैं वो दुरुस्त कर लें, तो ये सब फैक्टर एंडाउमेंट्स इतनी तेज़ी के साथ हमें उठाएंगी कि शायद उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन ये सब वो करेक्टिव मेजर्स हैं जो साल दो साल के असरात देने वाले नहीं हैं, ये कम से कम भी 10 साल का तसलसल मांगते हैं। अगर आपने बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना है तो उनको कम से कम 10 सालों के लिए पॉलिसीज़ को लॉक करके देना होगा कि आप आइए इन शोबों के अंदर मादनियात में देख लीजिए। हमारा अभी कितना बड़ा एक कजिया चल रहा है रिकोडेक का कि एक जो तजुर्बा हुआ उसके अंदर भी हम किन मसाइल का शिकार हो गए और कितनी मुश्किलों से अब निकल रहे हैं। लेकिन हमारे पास माइनिंग इतनी जरखेज है कि वहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट आ जाए काम है, लेकिन वो तब आएगी जब उनको सिक्योरिटी नज़र आएगी अपने इन्वेस्टमेंट की अगले 10 साल के लिए। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग सेक्टर को अगर डेवलप करना है तो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब कम से कम वो 10 साल के लिए आगे देख रहे होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, टाइम हैज़ कम कि हम सब बहसियत कौम मिलकर बैठें और उस बुनियादी एजेंडे के ऊपर कंसेंसस करें कि इस मुल्क में कोई भी हुकूमत आए वो इस बुनियादी एजेंडे से इनहराफ नहीं करेगी और पॉलिसीज़ का तसलसल और रिफॉर्म्स जो ज़रूरत है हमारी उनके तसलसल को हम यकीनी बनाएंगे। अगर हमने ये काम कर लिया तो मुझे यकीन है कि हमारे अगले 25 साल पाकिस्तान के बेहतरीन 25 साल होंगे। लेकिन अगर हमने ये काम न किया तो मुझे अंदेशा है कि हम अगले 25 साल भी गुज़श्ता 75 सालों की तरह ज़ाय कर देंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज हम सब ओपिनियन लीडर्स को, मीडिया को और नौजवानों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका फ्यूचर एट स्टेक है, कि ये आवाज़ आनी चाहिए कि मुल्क की तमाम क़यादत, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे उनका ताल्लुक सियासत से है, चाहे उनका ताल्लुक अदलिया से है, चाहे उनका ताल्लुक अस्करी इदारों से है, चाहे उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर मीडिया से है, चाहे उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, कि हम सब इस आईने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक करें कि जो इस मुल्क को दायमी तरक्की देने का रोड मैप बन सके। ये काम मुश्किल ज़रूर नज़र आता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए हम सबको अपनी ज़ाती या ग्रोही मुफाद से बालातर होके खालिसतन पाकिस्तान के मुफाद में सोचना होगा। और मेरा ये आपको बात तजुर्बे से कह रहा हूँ कि जो 2013 से 18 तक हमने अमल करके देखी कि इस मुल्क के हर शोबे के अंदर कितना पोटेंशियल है। और ये बात भी मैं वाजे कर दूँ कि सी पैक के ऊपर हमने पाकिस्तान की तरक्की चाइना को लीज़ पर नहीं दी थी। सी पैक पाकिस्तान और चीन का एक विन विन इश्तराक था जिसमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान का विजन 2025 दोनों की कॉन्करेंस थी। अगर चाइना से हमने 29 अरब डॉलर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हार्नेस किए तो तकरीबन उतनी ही रकम या उससे ज़्यादा हमने PSDP के ज़रिए अपने वसाइल से भी 5 सालों में 3200 अरब रुपए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर लगाए, जिसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान में एक बड़ा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आज अगर पाकिस्तान IT के ऊपर प्रॉमिसिंग नज़र आता है तो इसलिए नज़र आता है कि वो 3G और 4G के नेटवर्क्स जिनको 8 सालों से पेंडिंग रखा गया था उनको हमने लॉन्च किया।
चाइना से हमने इंफॉर्मेशन हाईवे लाके फाइबर ऑप्टिक केबल डाल के वो इंफॉर्मेशन बैकबोन दी, जिससे हम एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस मुल्क के अंदर लेकर आ सकते थे। हमने हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर और एक सेंटर्स और इनोवेशन सेंटर्स बना के नौजवानों को स्टार्टअप कल्चर की तरफ माइल किया। इसी तरह वो 1 मिलियन प्लस नौजवान कि जो उस वक्त लैपटॉप से मुस्तफीज हुए, उनकी अक्सरियत ई लैंसिंग करने वाले आईटी एंटरप्रेन्योर्स बने, जिन्होंने पाकिस्तान को थर्ड बिगेस्ट ई लैंसिंग कंट्री कर दिया। इसी तरह एनर्जी का एक एफिशिएंट और ब्रॉड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पास। आज पाकिस्तान में कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कराची से पेशावर तक एक मोटरवेज का जाल है, वो भावलपुर के, मुल्तान के इलाके, सखर के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके जो कभी खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे, वो आज पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मुझे डेरा बुगटी के चंद नौजवान मिले, उन्होंने कहा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने कभी वहमो गुमान में नहीं सोचा था कि हम सुबह डेरा बुगटी से निकलेंगे, दोपहर को लाहौर में कढ़ाई खा के, खाना खा के दोस्तों के साथ रात को वापस डेरा बुगटी आ जाएंगे, लेकिन आज मोटरवे की वजह से ये मुमकिन है। इसी तरह कराची से जब नॉर्दर्न एरियाज जाएं तो जो फैमिलीज हैं वो कहती हैं कि अब हमने ये ट्रैवल छोड़ दिया है, हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहें तो हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, चूँकि ये सफ़र आसान हो गया। तो एक कनेक्टिविटी के साथ मुल्क जुड़ रहा है आज, ये सब कुछ मौजूद था, लेकिन इसके ऊपर बदकिस्मती से चूँकि पॉलिसी का तसलसल नहीं रहा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी वो हम करने में नाकाम रहे हैं। सी पैक का असल डिविडेंड जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन था, जिसके तहत हमने 9 इकोनॉमिक जोन कायम करने थे। 2020 टू 2025 लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का टाइम था, जिसके तहत ये इकोनॉमिक जोन 2020 तक तैयार होने थे। आज जब 2022 में मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो एक इकोनॉमिक जोन भी तैयार नहीं है, बल्कि उनमें से 5 के ऊपर तो काम ही नहीं शुरू हुआ अभी। तो देखिए दुनिया फिर 5-5 साल, 4-4 साल किसी का इंतज़ार नहीं करती। आजकल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिजिटल स्पीड के साथ एक मरकज से दूसरे मरकज में मुंतकिल हो जाती है। तो हमने इन अपनी जो गलतियों को दुरुस्त करना है, पाकिस्तान को दोबारा हम पल्ला करना है, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो आज पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जज्बा नज़र आ रहा है कि हम इस मुल्क को बहुत जल्द टर्न अराउंड कर सकते हैं। मैंने अगले दिन, हम एक 28 जून को टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक रोड मैप बनाना चाहते हैं कि किस तरह हम मुल्क को दोबारा रिवाइवल की तरफ लेके जाएं। तो मैंने लिंक्डइन पे वैसे ही मैसेज किया कि जो सीनियर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स पाकिस्तानी कुछ हैं, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं, जो दुनिया को जाके अपना इल्म बांटते हैं वो अपने मुल्क को भी बताएं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्सेज आई गॉट कि पाकिस्तान का टॉप मोस्ट टैलेंट जो अमरीका, यूरोप, एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में, आईटी सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और कहाँ कहाँ काम कर रहा है, जिस जज्बे के साथ उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि हम पाकिस्तान की टर्न अराउंड टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आई सी ग्रेट फ्यूचर। ये जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, आई थिंक दे होल्ड की टू पाकिस्तान फ्यूचर। और अब हुकूमत का काम सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी एंटरप्राइज ऑफ पाकिस्तानी नेशन के आगे से रोड़े हटाए, रुकावटें हटाए। अब हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, हुकूमत तकरीबन बैंकरप्ट है, लेकिन हुकूमत एक काम कर सकती है कि वो पाकिस्तानी कौम के पैरों से वो जंजीरें जो लाइसेंसेस की, रेगुलेशंस की, नारवा पाबंदियों की जकड़ी हुई हैं, उन सब से आज़ाद करके पाकिस्तान के नौजवानों को और एंटरप्राइज को और प्राइवेट सेक्टर को ये सहूलत दे कि वो अपनी पूरी सलाहियत को दिखा सकें, तो मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। और इसी तरह के जो मुज़ाकरे हैं, इनसे हमें वो आइडियाज़ मिलेंगे कि जिनसे हुकूमत
ये फैसिलिटेशन कर सकती है। मैंने काफ़ी लंबी बात कर ली, लेकिन ये मौजू ऐसा था कि मैं चाहता था कि आपके साथ दिल से और दिल से खोल के बात करूं कि जब तक हमें सूरत हाल का इदराक नहीं होगा, आप कभी उसका इलाज दुरुस्त नहीं कर सकते। आधा इलाज मर्ज को समझने में है। तो एक 75 साल की हमें उन चीज़ों को दुरुस्त करना है। दूसरा, किसी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, वो वक्ती चीज़ होती है, ठीक हो जाती है, वो भी चीज़ें इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन तीसरी चीज़ इस वक्त जिसमें हम फंसे हुए हैं वो यूक्रेन का क्राइसिस है कि जिसने तेल, गंदम, कोयला, हर चीज़ की कीमतों को आसमान पे पहुंचा दिया है। ना सिर्फ हम बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वक्त मुश्किल में है और बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का भी इदराक होना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत एक क्राइसिस के अंदर आ गई है। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को स्लैश कर दिया है 50%। उन्होंने इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस को, ग्लोबल इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस को बहुत इंक्रीज कर दिया है। तो ये गैर मामूली हालात हैं जिनके लिए हमें संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन मैं गिला नहीं करता, जो हमारा माहौल बना दिया गया है वो ये कि हम हर चीज़ पे मजाक शुरू कर देते हैं। जैसा कि मेरा भी मजाक पिछले दिनों बना कि जब मैंने ये बात कही कि अगर हमने ज़रे मुबादला पे काबू पाना है तो हम एक ज़रई मुल्क होते हुए क्यों कर अफोर्ड कर सकते हैं कि हम गंदम भी इम्पोर्ट करें, हम चीनी भी इम्पोर्ट करें। नहीं नहीं यार, मैं आपकी मदद करता हूँ।